भाई ये तो दुल्हनिया है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ वैष्णवी और रोहित। हाय माँ जी, कैसे हो आप? अच्छा है। कैसे हो भाई? तो हम आपको दुल्हनिया की मेहंदी दिखाने वाले जहाँ पे लखनीत। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू लखनीत व्लॉग्स। आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं हमारी दुल्हनिया के। दुल्हनिया का फेस अभी तक रिवील नहीं किया था, लेकिन बहुत सारे कमेंट आए तो सोचा आज फेस रिवील कर देते हैं हमारी दुल्हनिया का। तो आज हम लोग जाने वाले दुल्हनिया के घर, जो कि है रोहित के घर से थोड़ा सा दूर। आई गुड मॉर्निंग बोलो सबको। गुड मॉर्निंग बोलो, लाइक करो, जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अरे वाह, और क्या, शेयर करो, कमेंट करो। आई तो हमारी पूरी प्रो है भाई। आई का आशीर्वाद आप सबके लिए भी। आई सबको आशीर्वाद दे दो, खुश रहो, सब खुश रहो, सब खुश रहो। कैमरे वालों को भी दे दो, कैमरे वाले भी सब टीम खुश रहे। यस yes, सब लोग जो देखते हैं वो भी खुश रहे, वो भी खुश रहे, सब खुश रहे। आई ने ये वर्ड सीख लिया, खुश रहो, खुश रहो, आज ही सीखा आई ने। हमारे बाबा, बाबा खुश रहो, खुश रहो। सबको आशीर्वाद दे दो आप भी, सब खुश रहे, खुशहाल रहे। अच्छा अभी रोहित यहाँ पर नहीं है, मैं एक बार हमारे आई और बाबा से पूछता हूँ कि आपके घर की तो पहली शादी ना इस जनरेशन की, हाँ है ना, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी आए, अच्छा और ना, आप आए ना, इसलिए और अच्छा लग रहा है। हमें तो आना ही था, लेकिन मतलब बहुत प्राउड होता होगा ना आपको रोहित को देख के। हाँ, होता है, आपके इधर ही हूँ इसलिए भी और ज्यादा। आपने इतने अच्छे संस्कार उसको दिए, वो तो अच्छे। आपको लोग मिलने के लिए कितनी दूर दूर से आते हैं, और आप हमें ही मिलने आए। अरे नहीं, बहुत खुशी होती है, हमारा घर है ना ये। हाँ है, हमारा घर है, हमको भी खुशी होती है ना आप इधर आए तो, बहुत खुशी होती है। मैं कमेंट भी देखती हूँ ना तो भी रोने को आता है। अच्छा तो आपके लिए तो इतने प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं, हमारी आई है इतनी इमोशनल, इतने सारे प्यारे प्यारे कमेंट, यही लोग बुलाते हैं आपको देखो, लेकिन खुशी के आंसू। खुशी क्या, ये चीज तो बर्दाश्त। अच्छा यश को भी लेके जाओ, यशो भाई बैकपैक कर और चल। इसका तो मैंने बोल दिया, इधर है ना पोल्ट्री में बहुत काम कर रहा था। नहीं नहीं, उसे मैं लेके जाता हूँ सर, डन सीन, प्रॉमिस करो मेरे को, पक्का ले जाऊंगा। फिर रोना नहीं अब, फिर आप कहोगे मेरे बेटे मेरे से ले गए। रोना नहीं अब तो, अच्छा तो खुश हो, बहू आने वाली है घर पर। हाँ आई, सुनो आई, हम आपको भी ले चलेंगे। नहीं सच्ची बताओ, सच्ची बताओ, उधर अभी रोहित ने तो फ्लैट ले ही लिया है, चलो ना आप भी। अच्छा महीने में 10 दिन उधर और बाकी इधर, बताओ। ऐसा भी नहीं, 5 दिन हम लोग को इधर से ना किधर भी मायके भी जाते हो ना तो ऐसे क्या बोलते मराठी में, करमत नहीं, एक दिन में आना पड़ता है, करमत नहीं, ऐसे क्या बोलते, अपनी माय भूमि रहती है ना उधर ही। भाई डन सी ना, ठीक है, कुछ नहीं, ये देखना ठीक है, ठीक है, अरे ड्राई क्लीन होकर आया हूं। ओह गेस व्हाट गाइस, हमारी आई ने हमारे लिए कड़ी बना दी आज, ग्रेप्स भी है, पापड़ भी है। पापड़ दो तरीके के हैं आज, वो मीठे पापड़, वो ये मीठे वाले, ये वाले। हाँ। अच्छा अच्छा लगे, बढ़िया है। अच्छा। भाई ये तो मेरी फेवरेट है। हाँ। मेथी की भुजी, चावल, कड़ी और चावल, थैंक यू भाई। जब मैं आई बोलता हूँ मेरे को गाना याद आता है, आई 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 सोना सोन परी आई, बचपन में सुनते थे आपने, देखिए सोन परी नाम से गाता था सीरियल पहले, बहुत पहले बचपन में देखता था मैं, उसमें एक सोन परी थी, काली परी थी। क्या हो गया, क्या हो गया, कुछ हुआ यहाँ पे? चेयर फेंक दी राजा भैया के ऊपर भाभी ने। भाई क्या, देखो यहाँ पे आंधी तूफान आ गया, शादी से पहले आंधी तूफान, मेहमानी के बाद आया। अच्छा नीतू के आने के बाद आया, और जो सामने बोल रहा तेरे ऊपर से ऊपर नहीं है, क्या हो गया? कुछ नहीं, एक मिनट मैं एक चीज देख रहा हूँ। बाबा मैं ना गर्मियों में यहाँ पर आऊंगा, जहाँ खाद डाल के बैठा करूंगा, एक बार आप देखो वो पहाड़ों की रेंज दिखती है यहाँ से, और मैं बस यहाँ पे आराम से बैठा करूंगा जब बरसात होंगी, और तुम लोगों को लेके नहीं आऊंगा, तुम लोग आओगे तो कुछ ना कुछ काम लेके आओगे। वाह कितना सुंदर मौसम, मुझे कुमार विश्वास सर का एक शेर याद आ रहा है, शेर नहीं है वो पोएट्री है, हर एक खोने हर एक पाने में तेरी याद आती है। वो बताने के जब भी हम लाइफ में कुछ खोते हैं या कुछ पाते हैं तो एक ऐसा स्पेशल इंसान होता है जिसके में याद आती है, हर एक खोने हर एक पाने में तेरी याद आती है, नमक आँखों के घुल जाने में तेरी याद आती है। मतलब जब भी हम इमोशनल होते हैं, चाहे खुशी में चाहे दुख में, मुझे तेरी याद आती है जब भी नमक आँखों में घुल जाता है। हर एक खोने हर एक पाने में तेरी याद आती है, नमक आँखों के घुल जाने में तेरी याद आती है। तेरी अमृत भरी लहरों को क्या मालूम गंगा माँ, समंदर पार वीराने में तेरी याद आती है। और एक उनकी लाइन इसके बाद, अगर मौसम हो मन भावन तो तेरी याद आती है, गिरे मेघों से जब सावन तो तेरी याद आती है। मतलब ये मौसम देख के ना इतना मन भावन है, मुझे उनकी लाइन से याद आ गई, सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। और इसके बाद मेरे उस्ताद बोलते हैं,
कोई देखे जन्म पत्री तो तेरी याद आती है, मतलब इंडिया के बाहर का सीन बता रहे हैं कि अगर कोई इंडियन बाहर चला जाता है उसको इंडिया की याद कैसे आती है, क्योंकि उनका कहना है कि जब सबसे टेक्निकल चीज़ कंप्यूटर अब इंडिया में आई तो सबसे पहले हमने जन्म पत्री बना दी उसमें। कोई देखे जन्म पत्री तो तेरी याद आती है, कोई व्रत रख ले सावित्री तो तेरी याद आती है, अचानक मुश्किलों में आँख मूंदे हाथ जोड़े जब कोई गाता हो गायत्री तो तेरी याद आती है। तो ये हमारा कल्चर है यार, हमारे दिल में बसा रहता है, हमारे साथ चलता है। तो उनकी लाइन ना कभी कभी मेरे को कहीं भी याद आ जाती है, एंड हैट्स ऑफ, मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ मेरे गुरु पर कि उनसे कितना कुछ सीखा मैंने यार। गाइस एक बार आप देखो कितने प्यार से यहाँ सबके लिए ऐसे क्या आसन बोलते हैं ना वैसे इसको, अगर आप भी बैठोगे और आप भी बैठोगे आसन लगाने होते, अगर आज आप नहीं बैठोगे तो हम भी नहीं खाएंगे, ठीक है पक्का? ठीक है रोहित भाव, रोहित भाव तो आप शादी के बंधन बन जाएगा। कल पता क्या कहता है, कल रोहित कहता है यार भैया टाइम तो बड़ी तेजी से निकले जा रहा है, दिन निकले जा रहे हैं। क्यों रोहित? हाँ सच में सच में बहुत जल्दी टाइम आ गया ऐसा लग रहा है। ये 10-12 दिन कैसे निकल गए पता नहीं, ये आज पता चल रहा है परसों शादी, शादी के बाद पता चलेगा तेरे को। हाँ यार गाइस इतने तूफान के बीच हम लोग ने डिसाइड करा फाइनली हम जा रहे हैं दुल्हनिया के दर्शन करने और आप लोगों को दिखाने, आपको रिवील करना है। वैसे पता है इससे पहले हम एक बार जा चुके हैं, दुल्हन से मिलके भी आ चुके हैं और कुछ गिफ्ट्स थे जो नीतू को उसको देने थे, उन्होंने भी काफ़ी कुछ हमारे लिए स्पेशल बनाया उस मोमेंट को, वो हम दिखाएंगे। पहले अपनी ट्रिप बना देते हैं, पहले हम पहुँच जाते हैं उसके बाद आपको दिखाएंगे। क्यों नीतू जो हम पहले होकर आए थे? गाइस मेरा लुक, तुम मेरे लुक तो दिखाते नहीं हो कभी अपना, कितनी सुंदर तो लग रही है यार। मैंने पहनी है मराठी, ये क्या है? नथ। ओह ये भी मराठी और वैसी होती है। अच्छा आज पता है मुझे कमेंट बॉक्स में किसी ने बताया कि हमारे उत्तराखंड में मराठास जब उन्होंने कॉन्कर किया पूरा इंडिया तो उत्तराखंड में आके बसे थे बहुत सारे मराठास। अच्छा हाँ तो उसके बाद तभी बोलते हैं कि आपकी यहाँ की टोपी उत्तराखंड की टोपी बहुत बहुत हद तक सेम है। हमारे उत्तराखंड में भी ऐसी तो बहुत सारे मराठास वहाँ के बसे थे। जो देखा ना छत्रपति शिवाजी महाराज का किला, उनका साम्राज्य बढ़ गया था वहाँ तक था भाई। हाँ उन्होंने बहुत कुछ करा भाई महाराज जी ने। मैं और पुनीत इसमें जाएंगे थार में और आगे से मैं भी चला लूंगी। लगन बैठो तुम कहाँ रहे हो? फिर इसमें चलती है दोनों। ठीक है बात है यार। रोहित चलो तुम इसमें बैठो। देख देख अभी सुबह तक इसकी तबीयत खराब, नींद आ रही थी इसे, अब देख कितनी जल्दी एनर्जी आएगी। 3-4 घंटे सो गया तो एनर्जी नहीं आएगी आगे एनर्जी। शिट यार जो नीतू उनके लिए साड़ी लेकर आई है वो तो यहीं भूल गए हम लोग। पुणे में अपना बैग आगे लेकर बैठे यार, नीतू और पुनीत तो चले गए थार में और हम लोग सब इस गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। पुनीत रोड माइटी का, अब मुझे क्या बोलना है? माइटी है, माइटी है, माइटी है। मैंने पूछा है पुनीत से रोड माइटी मतलब रास्ता पता है, तो उसने बोला माइटी पता है। तो मैं यहाँ से मराठी टूटी फूटी सीख कर जाऊंगी, लेकिन सीख कर जाऊंगी जितनी मुझे अपनी गढ़वाली कुमाऊनी आती है उतनी सीख कर जाऊंगी। ठीक है मुझे कोई लैंग्वेज ठीक से आती नहीं है बट मैं ट्राई करती हूँ। ओके ओके शर्माना नहीं भाई, नहीं आती तो नहीं आती है ना। ठीक है ठीक है। रोहित क्या बोलोगे? बस वहाँ जाके हिंदी और मराठी मिक्स मत करना। कब बोलोश? मैं क्या बोल दो? मराठी बोलोगे? मराठी। अच्छा अपन सगळे आता चाललो वैष्णवीच्या घरी। हम सब वैष्णवी के घर जा रहे हैं। हाँ तो इस व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। अरे मराठी बोलो। व्लॉग ला लाइक शेयर सब्सक्राइब करा आणि व्लॉग शेयर करा जेवढ्या लोकांपर्यंत शेयर करता येईल तेवढ्या लोकांपर्यंत। अरे म्हणून तुम्ही व्लॉग पाहायला येतंय त्याच्यामुळे आता शेअर पण करा, लाईक तर करतायच आहे तुम्ही आणि सगळ्यात महत्त्वाचं सबस्क्राइब करा। अच्छा जो भी इसने बोला, जो भी इसने बोला वो आप करना जरूर क्योंकि लड़के की शादी है और इसका इसका आप दिल मत तोड़ना। ठीक है कि लाइक कर तो करते हो तुम लोग, शेयर जरूर करना। हाँ। ना अरे वाह सैंडी, तो सब आता है यार। इस सैंडी को कुमाऊनी भी अच्छी आती है, ठीक है पंजाबी भी अच्छी आती है और अब तो महाराष्ट्र भी आ गई है, मराठी सॉरी। तो भाई ये है रास्ता जैसा आप देख रहे हो, हम जा रहे हैं वैष्णो के घर। गाइस देखो रोहित और वैष्णवी की शादी का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे यार, कितना अच्छा लग रहा है देख के। वाह भाऊ क्या बात है। गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारी दुल्हनिया वैष्णवी के घर और अब आपको दर्शन कराने वाले वैष्णवी के। हम मैं और नीतू अलग अलग गाड़ी में आए, वो अपना अलग ही व्लॉग बना रही है, आप उसका वाला देख लो ना झगड़ेगी पहले मेरे से। हाँ गाइस हम लोग आ गए घर पर वैष्णवी के, चलो चलते हैं। आज आपको पता चलेगा हमारी वैष्णवी दिखती कैसी है। वैसे बहुत सारे इंस्टाग्राम में लोगों ने देख लिया लेकिन यूट्यूब फैमिली ने नहीं देखा, तो अब हम आपको दिखाते हैं। हाँ जी चले चलो। पंजाबी गाने क्यों चल रहे हैं? मेरे फेवरेट गाने क्यों चल रहे हैं यहाँ पर? बताया ना उन्होंने, लिस्ट दे रखा आ जाएगा। अरे ये देखो ब्लैक परी। नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते अंकल।
नहीं नहीं अंकल जी, अंकल जी आशीर्वाद, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तो ये वैष्णवी जो हमारी दुल्हनिया है उनके फादर है, ठीक है, और ये हमारी दुल्हनिया की मदर है ना, दादी आजी आजी दादी आजी आजी दादी माँ नमस्ते, दादी माँ नमस्ते, वेलकम वेलकम। और देखो देखो दूल्हे को देखो, अंदर भाग गया दूल्हे को, दूल्हे का इंतजार नहीं है भाई, अभी टाइम है यार शादी होने में दूल्हे। यहाँ पर आप देखो कितना प्यारा, ओह माय गॉड, इधर भी वेलकम, ये हमारा वेलकम ही, मतलब वेलकम ही तो है, मैं कह रहा हूँ है तो वेलकम ना। वाओ यार कितना अच्छे से किया हुआ यार, इसी बात पे मैं सोच रहा हूँ पुनीत को चटका दूँ, बहुत सुंदर यार। ओ शीट शीट भाई, भाई चप्पल से पहन रखे हैं क्या, तो रोहित तो दूल्हा है, रोहित तो इस घर का है। अच्छा अच्छा, जो जो सबसे पहले मेहंदी लगाता है उसकी शादी पहले होती है। पुलिस की लगा दे यार, नहीं मैंने लगवा रहा, पुलिस प्लीज लगा ले यार, सैंडी करना चाहता है जल्दी। चलो सैंडी भाई यार, हो जाएगी तुम्हारी शादी, की टेंशन ले रहे हो यार, आ जाओ दोनों मेहंदी, इतनी दुआएं तुम्हारे ऊपर, बैठो गाइस, ये छोड़ के अभी हम वैशु को दिखाते हैं यार। सबसे पहले हमारी दुल्हनिया जिसका वेट सब लोग कर रहे हैं कि हमारी दुल्हन को दिखाओ। अरे आंटी सच बोलना था, सच्ची तो। चलो भाई आ जाओ कहीं, देख आपने वाली दीदी को देखा है कहीं पर? मैंने देखा है, कहाँ पे देखा है? बार आपने घर आई थी मोबाइल पर, किनको मोबाइल पर देखा है ना, नीतू को। नीतू तुझे यहाँ के सारे रास्ते कैसे पता हो गए भाई, तुझे इस घर के सारे रास्ते कैसे पता? पहले ये मुझे वीडियो कॉल पे दिखाता था मैम, ये हाय माजी कैसे हो आप, अच्छा है, कैसे हो आई, अच्छा है नानी, डबल आई, आई की भी आई, हाँ ये आई की भाई, नमस्ते नानी, अच्छा दादी नमस्ते, नमस्ते नमस्ते, कैसे हो आप, मौसी, आप मौसी हो, अच्छा ये वैष्णवी की दादी हैं, नहीं ये नानी है, वो दादी है, वो मौसी है, मुझे याद हो गया, देख ले एक बार में भाई, अब वैष्णवी से मिलाओ, सब वेट कर रहे हैं, फाइनली टाइम आ गया है हमारी दुल्हनिया से मिलने का। इसकी तरफ क्यों कर रही है, तो मैं नहीं कर रही हूँ, चलो चलो गाइस, चलो चलो भाई दूल्हे को जाने तो पहले, चलो भाई दूल्हे राजा, ओ ये इसमें कौन सो रहा है, अभी नहीं है उसमें, अच्छा कितना अच्छा पालना बनाया हुआ है, ऐसा हम देखते हैं ना स्टोरीज में, भगवान श्री कृष्ण का दिखाते हैं कि ऐसा ऐसा झूला लगाते थे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये रोहित को नहीं बिठा दिया, पक्का दुल्हनिया है ना, ओ भाई ये तो दुल्हनिया है। बताओ मेरा नाम वैष्णवी है। अरे अपना नाम तो बताओ वैष्णवी, मेरा नाम वैष्णवी है, मैं होने वाले रोहित की दुल्हनिया हूं, और मुझे रोहित प्यार से क्या बुलाता है ये बताओ, क्या बुलाते हो आप मुझे प्यार से, बोलो आप ही, यही बोलता हूं वैष्णवी, झूठ बोल रहा है, वैष्णवी कौन बोल रहा है, वैष्णवी बोलता है नहीं, अभी कभी कभी बोलता है आपके सामने वैष्णवी बोलता है, अच्छा हमारे सामने वैष्णवी और अकेले में वैशु, नॉटी कह रही थी अभी थोड़ी देर पहले, मुझे शर्माना नहीं आता, अब शर्मा रही है, शर्मा रही नहीं है, देखो ये शर्माना ही तो हुआ, अभी अभी इसके हाथ में जो मेहंदी है ना उस पर ये भी लिखवाना है रोहित की बहू, बहू को भी कहते हैं भाई, रोहित सांग किधर लिखना है बताओ, जा कोई जगह रोहित नहीं, ऐसा लिखना क्यों पहचान ना पाए, कहाँ लिखा है, उसका नाम ढूंढना होता है, मैडम हाइड कर दो, रोहित जाने के बाद कर दो, ये कौन बन रहा है, दुल्हनिया, और यहाँ दूल्हा बनने वाला है, रोहित बनने वाला है, रोहित यार एक चीज देखो, रोहित मतलब कभी कभी नोबितो जैसा नहीं लगता, एकदम इनोसेंट सा फेस है ना, नोबितो शिजुका की जोड़ी है। अभी सुनो आगे का व्लॉग देखने से पहले अभी लाइक कर दो, ये लाइक चाहिए दुल्हनिया के लिए और 100 के लाइक इस पे होने ही चाहिए, ये हमारी दुल्हनिया का तोहफा होगा आप सबकी तरफ से, जो हमारी पूरी लखनीतियंस हैं उनकी तरफ से। यहाँ पर अब आपको दिखाते हैं जो दुल्हन के घर पे पकवान बने हैं वो, और एक चीज तो ऐसी है जो पहली बार देख रहा हूँ मैं, ये देखो यार ध्यान से देखो, ये बनाए हुआ गुंजिया जैसी लग रही है ना, और ये चिड़िया की शेप में, स्टार की शेप, क्या है मोमोज, ये बिल्कुल मोमोज लग रहा है यार, और ये देखो बिल्कुल चिड़िया, एक बार पास से दिखाओ तुषार, ये तो बिल्कुल चिड़िया लग रही है, झोलना और ये लड्डू, ओ
बहुत अलग अलग तरीके के पकवान बने हुए हाँ, कितने रंग बिरंगे, ऐसा लग रहा है राजस्थान में वो नहीं पहनते पगड़ी है ना, मतलब वैसा कलर है इसका रंग बिरंगा, वो भी हमेशा रंग बिरंगी पहनते हैं। और देखो वो वहाँ पूड़ियाँ हैं, धन्यवाद। हम आपको दुल्हन की मेहंदी दिखाने वाले, जहाँ पे मैंने बोला था लिख दो रोहित की बहू, लेकिन इनका कुछ रोहित ची बाइको, रोहित ची बाइको ये लिखते हैं मराठी में, रोहित ची बाइको। बहुत सुंदर, क्या पैरों में कहाँ तक लगवाओगे? रोहित छुपा रहा है, नजर ना लग जाए कहीं से यार, इधर उधर से नजर ना लग जाए कहीं। सो गाइस, अब यहाँ हम अपनी दुल्हनिया के लिए फोटो शूट कर रहे हैं, और देखो सबसे स्पेशल फोटोग्राफर बुलाया हमने, बहुत बेकार फोटो देंगे। क्या आएगा? बहुत वैष्णवी को हंसाना है ताकि उसके अच्छे फोटोज आए। रोहित कुछ बोलना भाई, रोहित बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, बिना बोले गुस्सा भी हो जाती है, याद रखियो। जल्दी जल्दी कुछ बोल, कुछ बोल दे भाई, आने बोल दे, मैं पूरे टाइम देर से बात करूंगा। रोहित भाई उसे यकीन ही नहीं होगा, ये रोहित भाई पहाड़ी गाना सुनाएंगे अभी। रोहित कुछ बोल दे भाई। रोहित क्या कह रहा है, सुन, रोहित को बोला कि उसको हंसाना है, कुछ बोल दे, कह रहा है तू हंस जा भी। इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड। गाइज आपको एक चीज दिखाता हूँ, हमारे बीच इतनी महान हस्ती बैठी है भाई, मैं दिखा दिखा दे, दिखा दे दिखा दे। देखो एक तो होता है टी शर्ट उल्टी पहनना, एक तो होता है टी शर्ट उल्टी पहनना, एक होता है डबल उल्टी पहनना। डबल उल्टी कैसे, कि कई बार अपसाइड डाउन पहन लेते हैं, मैं ना भाई ने अपसाइड डाउन तो पहनी है, लेकिन जो पीछे का सब आगे है, इतना उल्टा मैंने कोई नहीं देखा। तभी मैं सोच रहा था ये सुबह से यहाँ है टाइट टाइट। इससे उल्टा तो एक ही चीज हो सकती है कि जो जो आर्म्स वाली जगह है वो नीचे और वैसा वाला ऊपर। हाँ, वो ऐसा होता है ना, पीछे से तो इधर होता है और हाँ। आगे से लंबा होता है, वो पीछे की साइड तो हो गया और ये जो पीछे वाला वो ये। अच्छा ये कह रहा है कि मेरा गला कौन दबा रहा है, कोई अदृश्य शक्ति है आज मेरे साथ है जो हमें चेक कर क्या। भाई एक बार दिखा, एक बार दिखा, लोगों को दिखाना है बस, साइज पता चल जाएगा मेरा। अच्छा क्या हो गया फिर, कपड़े आएंगे मीडियम मीडियम हो गई। वैष्णवी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ मराठी में बोलना यार, खूब छान वाटते हैं वाला, खूब छान छान बाटे वाला। तुम्हें कब से आई है मराठी? मैं आंटी को पूछी थी ना, खूब छान वाटे वाला है ना, वाटे मला, खूब छान वाटे मला। हां वाटे मला मतलब बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हां वाटे मला का मतलब मुझे, मला मला यानी कि मुझे लगता है। वाटे मतलब वाटे यानी कि लगता है, लगता है। हां खूब छान वाटे लगता है, ठीक है, हमारी वाट लगती है, यहां वाटे लगता है। हां खूब छान वाटे वाला भाई, भाई अब तो पता है सबको मला अब क्यों बैठा है। सो गाइस यहाँ पर हमारी दुल्हनिया की मेहंदी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, और हमारे दूल्हे राजा भाई दिख रहा है क्या, ओ माय गॉड इतना बड़ा टैडी भाई, और सीधा तो पकड़ इसको। इसका मुंह नीचे, इसके चक्कर आ गए होंगे यार, ये किसके लिए है? इसके लिए टेडी डे है ना। ओह कितना रोमांटिक भाई, भाई अकेले में तो देता, पीछे नीतू भी खड़ी है, वो मुझसे भी ऐसी करेगी, झगड़ेगी यार। क्या वाह यार, वाह यार, थैंक यू। तू तो यार कपल गोल सभी से दे रहा है भाई, ये तो यही कर रहा क्या कह रहा है, तो यही कर था, देखा यही का टैटू उठा के लाया अंदर से, उसने कुछ तो एफर्ट दिखाए। अरे रुक रुक पकड़, मैं भी एफर्ट दिखाता हूँ। तो आपने यार ने भी तो दिया एक छोटा टैटू चलता हुआ गाइस, चल चुप कर। हां यार पुनीत ने सही कवर अप किया, एक टैटू तो मैंने भी दिया। अच्छा ले रोहित भाई, अब कैमरा बंद करता हूं 2 मिनट के लिए, मेरे को बात करनी है। तो ये टैटू है गाइज, हमें इस 14 फरवरी को, लखन ने मुझे 14 फरवरी को प्रपोज किया था, और हमें 4 साल हो जाएंगे, 4 साल में एक फूल नहीं दिया इसने मुझे। अच्छा बता दो, 7-8 फूल दे चुका हूँ मैं तेरे को, एक गिनवा। अरे यार जो खुद फूल हो ना उसको मैं क्या फूल दूँ, बात तो सही है। वाह 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 गाइस, बाबा कर दो। मैंने क्या बोला कि जो खुद ही फूल है उसको मैं क्या फूल दूँ, कौन सा वाला फूल? एक शायरी बता दो फूल की, कौन सा वाला फूल? फूल FOOL। तुमने मेरे साथ अप्रोप्रिएट किया 14 फरवरी को, ठीक है बात हुई, फूल दिया ना। मैं कह रहा हूँ तू खुद ही फूल है, तुझे क्या फूल दूँ। अच्छा कोई ये देखो मैं तुम्हें फूल दे देती हूँ, लो थैंक यू यार, शेम ऑन यू लखन, ठीक है बात है यार।
आई लव यू बोला कर इसके साथ। तो चलो हटो मैं। चलो भाई, तो अभी हमारा वैसे यहाँ से जाने का टाइम हो गया, लेकिन रोहित ने बताया भी हमारी लस्सी आ रही है, तो लस्सी पी के चलेंगे अब। तो रोहित की आर लगा देती हूँ मैं, सॉरी वी लगा देती हूँ। वी यार ये तो रात में लगेगा ना। यार पहले उसका मेहंदी है, जो कि लोग नेक्स्ट व्लॉग देखेंगे वो मेहंदी वाला व्लॉग। लेकिन मैंने अम्मा की भी मेहंदी लगाई है और वो बहुत ज्यादा खुश हो गई है, मुझे आशीर्वाद दिया उन्होंने, क्या है कि बेटा तू तो बहुत अच्छी है, तू तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है ना। बोला ना आपने हक्को हक्को बोला ना हक्को क्या बोला हक्को 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 मतलब हाँ नक्को मतलब ना हाँ को आहे 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 बोला नहीं हाँ 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 हाँ। अम्मा कहाँ गई, अंदर क्यों चली गई अम्मा, अभी तो मैंने पूरी मेहंदी लगाई भी नहीं थी। इसीलिए तो अंदर चलेगी, इसने पूरी मेहंदी नहीं लगाई थी, अम्मा ने कहा जितना नुकसान होना था हो लिया, अब अंदर चलेगी अम्मा। कैमरा पकड़ना होता मुझे, समझा यार सबके हाथों मेहंदी लगाती है, इसकी बहुत खराब आ जाता है। तो भाई मैं अभी बस इंतजार कर रहा हूँ लस्सी का, फिर लस्सी पी के फिर हम चलते बनते हैं यहाँ से, क्योंकि आपको अगला व्लॉग दिखाना है जो कि होगा मेहंदी वाला। तो गाइस हम यहाँ फर्स्ट टाइम नहीं आए, हम पहले भी आए थे एक दिन पहले, और वैष्णवी से मिलकर गए थे। वैष्णवी के मैंने आपको बताया ना गिफ्ट्स कुछ लेकर आए थे उसके लिए, वैष्णवी ने भी हमारे लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर रखे हुए थे। तो आप पहले जरा वो वाले शॉट्स देख लो, उसके बाद आपसे मिलते हैं लस्सी पीते हुए, पहले वो शॉट्स देखो आप। तो गाइस अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं वैष्णवी के घर, हमारी दुल्हन के घर भी कुछ फंक्शन होना है, और हम लोग सब निकल गए यहाँ से। गाइस रेडी रोहित ने हमारे लिए ये गाड़ी अरेंज करी हुई, पूरे टाइम हमारे पास ही रहेगी। चलो भाई चलो। रोहित भाव तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी चल रहा हूँ साथ साथ। तो तेरे को तो आना चाहिए, इसको तो खुद को जाना था वैष्णवी से मिलने, और हमारे ऊपर बात किसने थे कैसे कर दी। तो गाइस जब हम लोग निकल गए वैष्णवी घर के लिए, और मैं भी इसका ISO सेट कर रहा था, अगर ज़्यादा वो करता हूँ डार्क तो फिर मैं अजीब लगने लगता हूँ, थोड़ा सा ब्राइट कर देता हूँ नहीं तो गायब हो जाती है। पूरा मैंने कहा सही है, मतलब मेरा पूरा मैंने देखो, अब हमें सेट नहीं करना, इस दोनों का स्किन टोन सेम है एकदम, भाई बहन है ना हम लोग इसलिए। तो अब हम पहुँच गए हैं हमारी दुल्हनिया के घर, और वैष्णवी का घर यही है। रोहित रोहित के देखो दूल्हे राजा सबसे ज्यादा खुश है, और रोहित हमें क्या क्या लाया था कि बस 5 मिनट दूर है, और कितना दूर है 15 मिनट, ये रास्ता थोड़ा सा ये है ना इसलिए। अब हम आए हैं दुल्हनिया के घर, आ जाओ दिखाते हैं वो क्या कर रहे हैं। सबसे बाहर तुम्हें दुल्हनिया दिख रही है, अरे आ गई आ गई आ गई, लोगों ने देखी नहीं होगी वैष्णवी, हम सभी ने नहीं देखी। हाय वैष्णवी, हेलो वेलकम आप सभी का, आ जाओ। थैंक यू, आ जाओ भाई। हाय वैष्णवी, कैसे हो कैसे हो कैसे हो आप? अच्छे हो एकदम, आ जाओ भाई दूल्हे राजा को आगे करें हम। चलो भाई, मेरी फैमिली है यहाँ पे। हेलो, नमस्ते नमस्ते। नमस्ते अंकल, ये मेरे मम्मी पापा हैं। नमस्ते आंटी, कैसे हो? अच्छे हो? अच्छा, ये मेरी दादी है। हाय हाय हाय, अंकल नमस्ते। नमस्ते दादी, अंकल आशीर्वाद दीजिए। आंटी जी नमस्ते, आजा अंदर। दादी नमस्ते, कैसे हो आप? अच्छा, ये किसने बनाया आपने? बहुत सुंदर है ये वैसे भी बनाया क्या? नहीं नहीं, ये बाकी लोगों ने बनाया। अच्छा, ये बड़े पापा। नमस्ते 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 अंकल जी, नमस्ते 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 बहुत लोगों को पता होगा कि यहाँ पर ये बैल गाड़ी की रेस होती है, उसमें जो जीतते हैं उनको प्राइज मिलता है। आपको पता था कि उसी की ट्रॉफी? वैष्णवी ने बताया ना। अच्छा, हाँ, मैंने बताया अभी। अच्छा रोहित, तू यही वाले बैलगाड़ी की रेस दिखाता मेरे को, बैल वाली रेस है यही दिखाता। बैलगाड़ी खाली बैल है, बैल रेस क्या बोलते हैं इसको? बैलगाड़ा शरीयत है ये, बुलक रेस, बुलक रेस। अरे वैष्णवी, इसलिए तो हम भाई इधर इधर बैठो।
मम्मी पानी अरे आ जाएगा आ जाएगा। अब तो फोन नहीं आएंगे इतने, अब भी आएंगे इसमें क्यों नहीं? अब भी आएंगे ना। अब मैं क्या करूँगा ना, मैं एक लाइव कैमरा लगाऊंगा रोहित के इधर और उसकी लाइव फुटेज सिर्फ वैष्णवी के पास रहेगी। अरे भाई वैष्णवी के लिए गिफ्ट लाया है, वैष्णवी ने बोला था कि मेहंदी के लिए कुछ लाने के लिए, तो ये थैंक यू। लखन कुटे मतलब लखन कहाँ है? अच्छा यार ये कुटे क्या हुआ, मुझे लगा कुत्ते बोल दिया। चलो चलो ये मार देती है, अंदर आ जाओ अंदर। पास पास क्यों भाई, तेरे को बुला रहे जरा, कह रहे एक बार पैर छू के आ उसके। पहचान वालों को कुछ नहीं करते। अच्छा हमें फेल देंगे, मुझे भी मेरी भी पहचान नहीं। अच्छा तो गए जी, जिनको पहचान वो कुछ नहीं कह रहे, बाकी फेल सकते हैं भाई। ये सच में सर थोड़ी की तो नहीं ना, ये मेरा साला है, लो वैष्णवी के सगा भाई। ओ हाय, क्या नाम है भाई? रोहन। यार उसकी तो वो भी ऐसी शेप में है, ये देख बड़ा डरावना सा है, सांस सांस सुन रहा उसकी। अच्छा हाँ गुस्से में। अच्छा सबसे रेस किसने जीती है इनमें से? वो जो शांत खड़ा है उससे गोल्डन भाई। सॉरी 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 यार, कलर ये गोल्डन है, कलर है ना वो बारा पहला किया है उनको, जैसे बालों को करते हैं वैसे उनके सींग को करते हैं। नहीं मैं पूछ रहा था कभी, क्या डाउट था पुनीत का, कह रहा वो उसके सींग ऐसे ही है कलर करा है। पुनीत अपना भाई अभी याद रखेंगे, कोई बंदा ऐसा आया था जिसने ऐसा सवाल पूछा। अरे नहीं नीतू कहाँ गई भाई? यहाँ भी सेम वही चीजें हो रही हैं, यहाँ गेहूँ क्यों पिस रहे हैं? तो हल्दी पिसनी चाहिए थी डिजाइन के लिए बस। अच्छा डिजाइन के लिए है वो, तो आप लोग देखिए। हाँ बैठो बस, वेल डन नीतू। जाओ पूनम बहन, जा रही हूँ। अरे वाह तो बड़े सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे वैष्णवी। अरे कुछ कर रहा भाई ऐसे थोड़ी इसकी शादी वो नहीं कर रहा कुछ। हाँ अच्छा ऐसा होता है, ठीक है ठीक है। हाँ बाकी लोग करते हैं हमारे यहाँ। नहीं हमारे यहाँ भी ऐसे ही है ना। आंटी शरबत लाई है यहाँ पर हम सबके लिए, और पुनीत और सैंडी भाई वाले कुछ स्पेशल है, उनमें कुछ टॉनिक मिला है। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू आंटी जी, आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं। मेरी बहन है उसकी भी ऐसी है भाई। जो शरबत है ना इसका टेस्ट एकदम ऐसा जैसा चटमुला और हजमुला का आता है, बहुत ही प्यारा टेस्ट है इसका यार। तो आंटी जरूरत नहीं थी इसकी तो कुछ भी। बाय 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 बाय। अरे मुझे क्या छोड़ गए, मैं दूसरी गाड़ी में आऊंगा भाई। बहुत अच्छा लगा दुल्हन के घर आकर, और नीतू और पुनीत दोनों थार लेके निकल गए। रोहित का छोटा भाई है यश, वो अपनी थार से यहाँ पर आया। इन दोनों ने प्लान क्या बताया क्या बनाया पता नहीं, इशारा शरम बात चल रही थी और निकल गए हम सबको छोड़ के। फनी बात यह कि रास्ता किसी को भी नहीं पता इनमें से, और हमसे आगे आगे चल रहे हैं, दिख भी नहीं रहे अभी तो फिलहाल। ये दोनों महान हस्ती अब आए और हम शॉर्टकट से इनसे पहले ही पहुंच गए। इतनी लेट कैसे हो गए? नहीं आप हम थोड़ा आगे से आए और आप पीछे शॉर्टकट लेकर आए। गार्गी हमें डांस करके दिखाएगी। अब हम लोग सोच रहे हैं कि एक घंटा यहाँ पे रेस्ट करें, क्योंकि शाम में फिर एक और फंक्शन स्टार्ट होने वाला है, और नीतू तो ऑलरेडी पैरों में काफी ज्यादा दर्द है। जब तूने गाड़ी ली थी क्या कहा था मेरे से कि बस आगे तक जाके देख रहे हैं? वो जो कह रहे थे वो सारी बात भाभी की थी, बस मैं मेरी आवाज थी। ये कह रहा तूने कहलवाई थी सारी बातें पुलिस से? कौन सी बात? गाड़ी बस आगे तक चला के देख रहे हैं हम। हाँ। है ना? फिर लेके आ गए यहाँ तक। फिर हाँ, क्योंकि लेकर आनी थी ना, मैं घर भी तो आनी थी, कार वहाँ छोड़कर नहीं आ सकते थे ना। भाई तू गाड़ी लेके आता है फिर ले जाते हैं। नहीं क्या 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 गाड़ी लेके आता है थार को, और थार को ये लोग ले लेते हैं फिर। हाँ भी इन्होंने चाबी मांगी थी, दे दी। यश की और मेरी डील हो चुकी है। तो अब आपका स्वागत है आज के दिन में। अब आप आज वाले व्लॉग्स देख रहे हो, और अब हम आपको दिखाते हैं नीतू यहाँ अम्मा की मेहंदी लगा रही है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ वैष्णवी और रोहित। किसका नाम है सुषमा? वी आर लिखा, कैसे लगा मेरा? कैसे लगा? मम्मी का, मम्मी का। छान छान लगा तुम्हें? ओ मम्मी का नाम है सुषमा।
मम्मी का नाम है सुषमा, मम्मी का नाम वैष्णवी, हां वैष्णवी। आप भी तो लगाओगे मेहंदी? हां आप भी लगाओगे मेहंदी को? क्या बोलेंगे? तुमने भी लगाओ ना, सेम सेम लगाओगे ना? ओह सॉरी यार भाई, लस्सी आ गई हमारी गाइस। दादी कितनी अच्छी है, देखो मेरे हाथ गंदे हो रहे थे तो उन्होंने नैपकिन मंगाई अपनी मराठी बोल के, मेरे को समझ नहीं आया, अब मुझे समझ आया क्या बोल रहे थे आप। हेलो नाहित, सॉरी आप भी लगाओगी ना? ये बहुत इससे नहीं, तू से ना 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 कायको। अरे सुन, टाइम तेरे को पता है पीछे वो घोड़ा है, घोड़े बैठना तेरे को? हाँ हाँ बैठ लू बैठ लू। बैठने को क्या बोलते हैं? बसाई छा। आजा बसाई छा कराऊंगा तेरे को। सॉरी मैंने बंगाली बोल दी, ठीक आचे ठीक है को क्या बोलेंगे? ठीक है को क्या बोलेंगे? हाँ बरे बरोबर, अरे हाँ बरोबर, अरे उसमें भी चांगले 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 चने खिलाऊंगा मैं। अरे रिकॉर्ड कर लिए चीजें, देखा कितना बुरा पति आ है। कितने अच्छी लगाई होगी, क्या बोलेंगे मराठी में? कितनी छान लावली, देखो गाइस कितनी छान लावली, कितनी छान लावली। कौन है नेक्स्ट? आप वो तो नहीं 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 अब बड़े बेइज्जती कर रहे हैं ना, इतना नहीं लगा, इधर नहीं लगाएंगे क्योंकि वो वी और आर लिख देना, वैष्णवी और आर। यस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मेहंदी, मैं नहीं तुम भी ब्यूटीफुल है, थैंक यू। अभी हमने बोला हम घोड़े में बैठने जा रहे हैं, इसकी मेहंदी लगनी है, तो करी मैं भी आऊं क्या? मैंने कहा मेहंदी लगाओ, आज मेहंदी है। अब हम लोग जा रहे हैं घोड़ा चला रहे हैं, देखने देखने बैठेंगे नहीं बाल हो जाएंगे, देखना भाई मैंने अपने गाँव में खूब घोड़े देखे हैं, मेरे को चलाना है। हाँ? ये रेस का घोड़ा है? हाँ। पक्का मारेगा? नहीं नहीं नहीं, घोड़ी है ये गाइस। जिस जगह पर मैं, इतनी सुंदर लोकेशन है, आपको कुछ शॉर्ट्स सिनेमैटिक डाल के दिखाता हूँ, एक बार आप देखो और एंजॉय करो इस जगह को। ब्लेस्ड फील हो रहा है कि हम इतनी अच्छी जगह हैं। और इसका एक और प्लस पॉइंट आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर आप लोग स्टार गेजिंग कर सकते हो। दिल्ली एनसीआर में ना सितारे देखे हुए पता नहीं ज़माना हो गया, बचपन में बहुत दिखा करते थे जब बुलंदशहर रहा करते थे हम। अब तो सोचा ऐसा टाइम है कि स्टार देखना अपने आप में एक मोमेंट हो जाएगा, बट यहाँ पर मैंने देखा पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कम है और आपको स्टार्स बहुत अच्छे से दिखते हैं। तो आज रात में हम कोशिश करेंगे कि आपको ना स्टार लैप्स दिखाऊं। स्टार लैप्स होता है जैसे हम टाइम लैप्स बनाते हैं ना, ऐसे स्टार्स का जो मूवमेंट होता है, क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही होती है तो उसकी वजह से जो मूवमेंट आता है ना बहुत अच्छा कैप्चर करेगा कैमरा मेरा, जो मैंने नए कैमरा लिए हैं उनमें से। तो आज कोशिश करूँगा रात में आपको वाला शॉट दिखे। कहाँ जा रहे हो भाई? अब व्लॉग लेना पूरा। यहाँ देखो रास्ता कैसा है, पहाड़ी पत्थरों से बना हुआ। ये हमारा शादी का घर तो हमारा हो गया यहाँ पर डन। अब हम लोग जा रहे हैं क्योंकि जो आप कल का व्लॉग देखोगे वो होगा रोहित की मेहंदी का, जिसके लिए हमने अलग से साड़ी स्टिच करवाई है, आई मीन मराठी साड़ी, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। और मैं थोड़ी बड़ी पहनूंगी या यही पहनूं? अभी यही पहनती हूँ, शादी में बड़ी पहनूंगी, है ना। और हमारी जो वैष्णवी है वो भी चाहती है कि वो मेहंदी में आए उधर। इन दोनों की मेहंदी अलग अलग हो रही है वैसे ना, आई थिंक यही रिवाज अच्छा है जब मेहंदी अलग अलग होती है, साथ साथ हल्दी मेहंदी ये सब बेकार कर दिए ये सब करके। नहीं तो यार अच्छा तो वही लगता है ना, वहाँ पे क्या हो रहा है हमें नहीं पता। वैष्णवी एक हाथ में मेहंदी लग गई, वैष्णवी की एक हाथ में मेहंदी लग गई है, रोहित को दे दो कैमरा। अब हम वैष्णवी को बाय बाय कहने के लिए आए हैं, ठीक है वैष्णवी अच्छे से मेहंदी लगाना, यहाँ तक भी लगाओ ना थोड़ा सा यहाँ पर। नहीं मेरा ब्लाउज है ना यहाँ तक, हमारे यहाँ तक ब्लाउज। अच्छा मैंने वैष्णवी को बोला कि यहाँ तक मेहंदी लगाओ तो उन्होंने बोला कि ब्लाउज यहाँ तक है तो इसलिए यहाँ तक। चलो अच्छी लग रही है मगर मेहंदी बहुत सुंदर है। ये हम अपनी आई के लिए, आई मीन रोहित की आई के लिए भी साड़ी लेकर आए थे। नहीं नहीं मैडम इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे नहीं और मैम मत बोलो मुझे, नहीं तो बोलो ये साड़ी हम रोहित की मम्मी के लिए भी लाए थे ना, इसलिए हम लोग आपके लिए लेकर आए। आपको पसंद आएगी नहीं आएगी बताना, ये पसंद रोहित की है, अच्छी होगी तो मेरी है, गंदी होगी तो चलो हम निकलते हैं, ठीक है शादी में मिलते हैं। शादी परसों एक दिन, अच्छा एक दिन ही है शादी को तो यार। ओके वैशू बाय, चलो बाय बाय।
दीदी भी आ गई, अब चलते हैं घर, अब रोहित की मेहंदी लगाते हैं। ओके बाय बाय। उम्मीद करते हैं आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। सबसे पहले इसको लाइक कर दो, वैसे आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी, अभी भी लाइक कर दो हमारे दूल्हा दुल्हन के लिए, इसमें रिवील हुई है हमारी दुल्हन। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होगा रोहित की हल्दी वाला व्लॉग, सॉरी रोहित की मेहंदी वाला व्लॉग, जहाँ पर हम लोग अभी जा रहे हैं, अब कल देखने को मिलेगा। तो मुझे पता सुपर डुपर एक्साइटेड है आप लोग और हम लोग भी। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं, ख्याल रखना अपना। ओह, अटेंडेंस नहीं लगी थी आज, वो भी लगा देना।